आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और अब की बार टैगलाइन जो रहेगी हमारी क्या रहेगी, अब की बार एग्ज़ाम पार। तो हमें एग्ज़ाम के लिए ही ये टॉपिक्स पढ़ने हैं कि कितने कम से कम टॉपिक पढ़े, कम से कम टाइम में सारे टॉपिक कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं, और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको किस तरीके से चैप्टर को करना है। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर देखो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक कंडक्टेंस और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से कभी आता है कभी नहीं आता है, यहाँ से तो बहुत ही कम चांस रहते हैं आने के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। तो इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंडक्टेंस है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको क्या आना चाहिए, सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी आनी चाहिए, और ई नॉट सेल कैलकुलेट करना आना चाहिए। ई नॉट सेल का हमने फॉर्मूला बताया था, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये फॉर्मूला लगा के आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना आना चाहिए। इन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये तीनों ऐसे टॉपिक है जो ये नेक्स्ट इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें ये तीनों पार्ट इनडायरेक्टली यूज होंगे। तो आपको बहुत ध्यान से नेक्स्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन करने हैं, और इसको करने के लिए आपको ये तीनों टॉपिक आने चाहिए। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी करेंगे। फिर नेक्स्ट इक्वेशन और एप्लीकेशन में क्या बताया था, नेक्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमने बताई थी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नेक्स्ट इक्वेशन से हम ई सेल निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होती थी, ठीक, एट 298 केल्विन पे हमने बनाई थी। 298 केल्विन पे क्या हो जाती थी ये, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, ये हो जाती थी, है ना। तो जनरली देखा गया 298 केल्विन पे दिया रहता है, तो उस पर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन याद रखनी है, और नेक्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या थे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाल लेते थे हम सेल का, कोई भी ई सेल निकालना है हमको, तो ई नॉट सेल माइनस, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड है पहले इलेक्ट्रोड लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास एम एन प्लस है, ये एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो एम पॉजिटिव बन जाएगा, और इसका ई सेल निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाता था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग, प्रोडक्ट में तो कोई आयन ही नहीं है, तो प्रोडक्ट में आयन नहीं है तो इसका कंसेंट्रेशन सॉलिड है, प्योर सॉलिड का कंसेंट्रेशन होता है 1, और प्योर यहाँ पे कौन है, एक्वस, एक आयन है एक्वस, इसका कंसेंट्रेशन यहाँ लिख देंगे एम एन प्लस, और जो भी कोफिशियंट होता है उसको पावर बना देते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रोपोटेंशियल आप निकाल सकते हो, ये हमने बताया था। सेकेंड हमने बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पी एच के बीच रिलेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पी एच के बीच रिलेशन, अगर इलेक्ट्रोपोटेंशियल दिया तो पी एच निकल सकता है, पी एच दिया है तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकल सकता है। क्या बताया था हमने रिलेशन, डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलेज बता रहा हूँ। तो ई सेल का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस 0.0591 पीएच। तो देखो इसके अंदर दो वेरिएबल है सिर्फ, एक ई सेल है पीएच, अगर पीएच दिया तो ई सेल निकल सकता है, ई सेल दिया तो पीएच निकल सकता है। देखो डेरिवेशन केमिस्ट्री में नहीं आती है, इसलिए डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप यूज़ करोगे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लग जाएंगे। थर्ड हमने इसी में बताया था स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी कैसे बताते हैं, तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हमने फॉर्मूला सीखना है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनिटी। किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और ई नॉट सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। बस ये आपको ध्यान रख लेना है, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा और ई नॉट सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। फिर फोर्थ इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन ई सेल, रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू, ये क्या रिलेशन आया था हमारे पास, ई नॉट सेल जो था वो किसके बराबर आया था हमारे पास, 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू,
और एट 298 केल्विन जब हमने किया था तो ये रिलेशन क्या बन गया था, ई नॉट सेल हमारा किसके बराबर हो गया था, 0.0591 बाय एन लॉग, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है ना के ई क्यू। बस तो आपको देखो दो वेरिएबल है, एक ये और एक ये, एन आपको रिएक्शन से पता लग जाता है, रिएक्शन आपको दी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना आप वहाँ से, ई नॉट सेल और लॉग के ई क्यू। हाँ, इनको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लॉग एंड एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो वीडियो बना रखिए, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो और उसमें लॉग एंटी लॉग पहले सीख लो, तब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ई नॉट सेल हो गया, फिर लास्ट हमारे पास डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन था, जो कि क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग के ई क्यू। ये आपको फॉर्मूले इतने याद रखने हैं इस चैप्टर में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन के एप्लीकेशन के सारे फॉर्मूले बता दिए, ये आपको याद रखने हैं। फिर क्वेश्चंस आप जब इतना पढ़ लें, सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको सारे फॉर्मूले याद है, फिर आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, इंटेक्स 4, 5, 6, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, ये सारे आप अटेम्प्ट कीजिए, लगाइए, और एग्जाम में भी इन्हीं में से आपको मिलेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस, या इसी टाइप के मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हम लोग बताते हैं कंडक्टेंस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको रब कर देता हूँ मैं, फिर कंडक्टेंस को थोड़ा सा बता देते हैं। कंडक्टेंस में बेसिक फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रिसिटी के पता होने चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, वी इज इक्वल टू आई आर, ये कुछ फॉर्मूले थे बेसिक। कंडक्टिविटी कापा 1/ρ होती है, और फिर होता था हमारा के इंटू आर इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, कुछ इस तरीके के जो फॉर्मूले थे ये आपको याद होने चाहिए, और के इंटू आर सेल कांस्टेंट हमने सीखा था, और कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, के अगर साइमन डेसीमीटर इनवर्स में है तो इंटू के बाय एम, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था के बाय एम, अगर यही मोलर कंडक्टिविटी में के की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो आपको क्या करना था, ये एम मोलैरिटी है यहाँ पे मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब एक ही बात होती है, अगर आपको के साइमन डेसीमीटर इनवर्स में दिया तो के बाय एम, अगर के साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर के हमको किस में दिया है, के हमको साइमन मीटर इनवर्स में दिया है तो हम क्या करते हैं नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही चेंज आता है। तीन फॉर्मूले आप याद रख लीजिए बेसिक, बस आपके बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, इनको अप्लाई करके आपके क्वेश्चंस बन जाते थे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन, तो हमने डाइल्यूशन का बता रखा है, डाइल्यूशन पे क्या होता है कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हमने पूरा क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे आगे। कोलरोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हाँ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला तो बोर्ड में आया हुआ है 2-3 बार, ये आपको ध्यान रखना है, वेरिएशन एक ही लाइन है बस, ये पूछते हैं आपसे कोलरोस लॉ, डाइल्यूशन पे ये है, कंडक्टिविटी पे इसका उल्टा, कंसंट्रेशन पे इसका उल्टा कर दीजिएगा। कोलरोस लॉ, कोलरोस लॉ एंड एप्लीकेशन आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरोस लॉ में हमने 3 एप्लीकेशन बताए थे, कोलरोस लॉ के एप्लीकेशन कौन कौन से बताए थे हमने, एक पहला बताया था कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो आपने देखा था ग्राफ से निकल जाती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ से नहीं निकलती है, तो उसके लिए हमें कोलरोस लॉ यूज़ करना पड़ता है। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला था। तीसरा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं के ए, जिसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा सी, यहाँ पे कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी होती थी, ये हम देख लेंगे। तो इतना आपको काम कर लेना है, ये वाला पार्ट आपका हो गया लगभग, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांस है। अगर ये आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर या 6, मान लीजिए 6 नंबर का चैप्टर आने वाला है, तो ज़्यादातर आपके चांसेस यही है कि 6 नंबर 5 नंबर यहीं से आए,
यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है फिर भी, लेकिन दिया हुआ है अगर क्वेश्चन आ गया तो आप मना नहीं कर सकते। तो पहले लेकिन आप ये वाला पार्ट अच्छे से कीजिएगा, अगर आपको ये पार्ट अच्छे से हो जाता है फिर टाइम बचता है तो आप ये वाला पार्ट देखिएगा। तो इसमें हमें बस इलेक्ट्रोलाइसिस देखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमको क्या देखना है कि किस एनोड पे क्या मिलेगा, किस इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, ठीक। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा ये बताना होता है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमें बताना होता है कितना मिलेगा, कितना के लिए हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव में, फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी वाला, ये आप याद रखना फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते थे इसके बस। सेकंड लॉ कुछ खास नहीं है। फिर कमर्शियल वोल्टेइक सेल्स याद कर लेना आप, चार पांच सेल दिए हुए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूँ लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निकल कैडमियम सेल ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ड्राई सेल मर्क्यूरी सेल वगैरह कम इंपॉर्टेंट है, तो इनको पहले कीजिएगा, बाद में टाइम मिले तो वो कीजिएगा। फिर मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग एंड प्रिवेंशन एक लास्ट टॉपिक है, ये आपकी मर्जी है, करना चाहे तो कर सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं, एग्जाम में आने के इतने चांसेस नहीं होते हैं बस। तो इस सब को आप करके जाइए, होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है कैसे करना है। हाँ, क्वेश्चंस ये आपके हो गए, आपके इस वाले पार्ट के कंडक्टेंस के क्वेश्चन ये वाले हैं, ये मैंने लिख दिए हैं साथ साथ टॉपिक वाइज, क्वेश्चन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और डिवाइड कर दिया जिस टॉपिक के क्वेश्चन से। ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वेश्चन, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक के आपको डिस्कस कर दिए, यही आपको करके जाना है। होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप सभी को मेरा धन्यवाद, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।